मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। तो आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 9 ओपी गुप्ता थर्डनिक्स। फिर देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है 81। फ्यूगासिटी कोफिशिएंट ऑफ अ सबस्टांस इज द रेशियो ऑफ इट्स फ्यूगासिटी टू। फ्यूगासिटी कोफिशिएंट को हम फाइव से दिखाते हैं, फ्यूगासिटी कोफिशिएंट फाइव से दिखाते हैं, और यह फ्यूगासिटी रियल प्रेशर अपॉन प्रेशर इन दोनों का रेशियो होता है। फ्यूगासिटी को स्मॉल एफ से और प्रेशर को पी से दिखाते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए, फ्यूगासिटी एक डायमेंशन लेस है, वैल्यू है। कैसी है? डायमेंशन लेस वैल्यू है, यानी इसकी यूनिट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि प्रेशर की यूनिट है किलो पास्कल, और फ्यूगासिटी भी एक प्रकार से प्रेशर है जिसको हम रियल गैस के लिए यूज करते हैं। इसलिए यहाँ पर इसकी कोई भी यूनिट, इसकी भी यूनिट किलो पास्कल होगी। एज ए रिजल्ट ओवरऑल यूनिट इसकी वन होगी। ठीक, तो डायमेंशन लेस है। नंबर दो, जो फाई होता है वो नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस। ध्यान रखिए, ये दोनों क्वेश्चन पीएससी में आ चुके हैं। पहला डायमेंशन लेस पर आधारित, दूसरा डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस पे। ठीक, तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन, यानी फ्यूगासिटी टू मोल फ्रैक्शन का रेशियो कहलाता है फ्यूगासिटी कोएफिशिएंट, या फिर फ्यूगासिटी टू एक्टिविटी होता है, या फिर फ्यूगासिटी टू प्रेशर होता है। तो सी इज द राइट आंसर, 81 का सी। यहाँ पर चौथा ऑप्शन है एक्टिविटी कोएफिशिएंट। क्वेश्चन हम देखेंगे 82, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा, जो आपके लिए बहुत नई चीज़ें हैं वो आपको सिखा के जाएगा। पहला क्वेश्चन है, बालनार इक्वेशन डील्स विद द एक्टिविटी कोएफिशिएंट इन। ठीक है, जो बालनार इक्वेशन होती है वो डील करती है एक्टिविटी कोएफिशिएंट को, किस में? तो पहला ऑप्शन है बाइनरी सोल्यूशन में। किस में? पहला ऑप्शन है बाइनरी सोल्यूशन में, और इसमें दूसरा ऑप्शन है कि टर्नरी सॉल्यूशन में, टर्नरी सॉल्यूशन में तीसरा ऑप्शन है आइसोट्रोपिक मिक्सचर, आइसोट्रोपिक मिक्सचर ओनली। ठीक, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक, जो बाइनरी मतलब बार्नार्ड इक्वेशन है, बार्नार्ड इक्वेशन VAN बार्नार्ड इक्वेशन। ठीक, ये इक्वेशन एक्टिविटी कोएफिशिएंट को डील करती है, किस में? बाइनरी सॉल्यूशन में। तो ए इज द राइट आंसर, 82 का ए, बाइनरी सॉल्यूशन में डीलिंग करती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जूल थॉमसन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट। जूल थॉमसन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट में एंथैल्पी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। पहला ऑप्शन दे रहा है कि एंथैल्पी कांस्टेंट नहीं रहती है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है, तो हम आपको बता दें जो जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट है उसमें एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है, इसलिए जो इसका ऑप्शन ए है वो गलत ऑप्शन है। ठीक, दूसरा बोला एंटायर ऑपरेटर इज एक्सपोज्ड टू सराउंडिंग, पूरा ऑपरेटर जो है वो सराउंडिंग में खुला रहता है। तो ये भी गलत है, क्योंकि वो पूरा सिस्टम जो है जहाँ पर हम डीलिंग कर रहे होते हैं अपनी गैस को, जहाँ पर उसको हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, कंडक्शन हो रहा है, वो सारा सेक्शन बाहर से इंसुलेटेड रहता है।
इसलिए सराउंडिंग में खुले होने की बात ही नहीं होती है, तो ये भी गलत है। तीसरा वर्ड टेम्परेचर रिमेंस कॉन्स्टेंट, तो भैया ये 83 वाला वो सी जो ऑप्शन है ये भी गलत है, क्योंकि टेम्परेचर जो होता है वहाँ चेंज होता है। आप लोगों ने देखा जब हम पोरस प्लग से पास करवाते हैं तो टेम्परेचर या तो घटता है या फिर बढ़ता है, अगर वो आइडियल गैस नहीं है तब। ऐसा कब होता है तो वो मैं आपको बताऊँगा। तो बेसिकली टेम्परेचर जो है कॉन्स्टेंट नहीं रहता अगर आइडियल गैस है तो नॉर्मली हमारा पर्पज होता है टेम्परेचर वहाँ से डाउन होता है, ठीक है, कूलिंग इफेक्ट हमें मिलता है जब हमारा जूल थॉमसन कोएफिशिएंट की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो फिलहाल ये भी गलत है, इसलिए नन ऑफ दीज, डी इज़ द राइट आंसर। चलिए हम बता दें आपको इसके बारे में, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट जब कराया गया तो उसमें क्या था कि हम किसी भी गैस को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, ठीक, पोरस प्लग मतलब इस तरीके से क्या है कि ये पतला सा छेद है इससे गैस जा रही है, फिर हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, ठीक, ऐसे एक्सपेंड कर दिया इस तरीके से। तो ओवरऑल क्या है कि यहाँ से प्रेशर जो है वो गैस का प्रेशर डाउन होता है, और प्रेशर डाउन होने के साथ साथ में क्या है कूलिंग इफेक्ट हमारे सामने आता है, वो आप लोगों ने देखा। कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होगा तो उसके लिए हमें जो जूल थॉमसन कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू डेल टी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी, ए वाली वैल्यू हम पता करते हैं, चेक करते हैं इसकी वैल्यू क्या है। अगर ए वैल्यू हो सकती है कि जीरो हो, अगर म्यू, इसको म्यू बोलते हैं या फिर इसको कभी कभी म्यू जे बोलते हैं, ठीक है, जूल थॉमसन कोएफिशिएंट, तो म्यू जो है इसकी वैल्यू अगर जीरो होती है, म्यू जे की वैल्यू जीरो होती है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आइडियल गैस के लिए होता है और यहाँ पर एक कंडीशन जो है वो इन्वर्जन टेम्परेचर पर होती है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है कि इस कंडीशन पे नो हीटिंग एंड कूलिंग, ना तो गैस हीट होगी और ना ही कूल होगी, ये आइडियल गैस के लिए होता है, पर बेसिकली हम यहाँ पर कूलिंग इफेक्ट करते हैं। तो बट अगर इसकी म्यूजे की वैल्यू नेगेटिव होती है, जीरो से कम होती है, नेगेटिव का मतलब है कि जीरो से कम मतलब -4, -1, -2, -0.2 वगैरह, तो नेगेटिव होती है तब यहाँ पर आप देखते हो कि हीटिंग हमें मिलती है, गैस हमारी जैसे एक्सपेंड होगी इस जोन में आके गर्म हो जाएगी। बट ये डेरिवेबल केस नहीं है, डेरिवेबल केस ये है प्लस वाला जो हम रेफ्रिजरेटर में भी इसका यूज करते हैं, तो पॉजिटिव वाला, तो ये यहाँ से कूलिंग हमारे सामने होके आती है, ठीक। तो एक क्वेश्चन बनते हैं, तीन क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, एक्सपेंशन करते हैं, चौथा क्वेश्चन यहाँ बस बनता है। यहाँ पर एडियाबेटिक सिस्टम होता है तो डी क्यू यहाँ पर जीरो होता है, एक क्वेश्चन बनता है। एंथैल्पी ओवरऑल प्रोसेस में जो है कॉन्स्टेंट रहती है, एक क्वेश्चन बनता है। इस तरीके से अगर डी क्यू जीरो है तो डी डब्ल्यू भी यहाँ पर मुझे देखने को जीरो मिलता है, कोई भी वर्क नहीं होता है। और क्योंकि इस प्रोसेस में डी क्यू जीरो है और एंथैल्पी भी जीरो है, चेंज एंथैल्पी जीरो है, इसलिए हम इस प्रोसेस को आइजन एंथैल्पिक प्रोसेस भी कहते हैं। इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है, इसको क्या बोलते हैं, आइजन थेल्पिक प्रोसेस हम कहते हैं, ठीक। ये महत्वपूर्ण पॉइंट, इसको आप याद रखोगे। तो हमने आपको बोला ज़्यादातर क्या है कि म्यू की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं और हम ये चीज़ देखते हैं। अच्छा, इसमें जो म्यू की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो इसके लिए कंडीशन क्या है वो लिख लीजिए, कूलिंग होगी इफ टेम्परेचर इज बिटवीन अपर एंड लोअर इन्वर्जन टेम्परेचर फॉर एनी गिवन प्रेशर, ठीक, परफेक्ट गैस के लिए इसकी वैल्यू जो होती है। अच्छा, परफेक्ट गैस, अब इसमें चक्कर क्या है ध्यान दीजिए, अगर मान लो कि मुझे परफेक्ट गैस के लिए क्या होता है म्यूजे की वैल्यू, तो म्यूजे की वैल्यू जीरो होती है, क्यों होती है, क्योंकि जो परफेक्ट गैसेस होती हैं आइडियल गैसेस होती हैं उनकी एंथैल्पी ओनली टेम्परेचर का फंक्शन होती है। मैंने आपको बताया आइडियल गैस के लिए एंथैल्पी या फिर इंटरनल एनर्जी, ये तीनों जो है दोनों जो है टेम्परेचर का फंक्शन होती हैं, क्योंकि आइडियल गैसेस के लिए एक्सपेंशन होने पर ना कूलिंग होती ना हीटिंग होती है, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होता, टेम्परेचर फिक्स रहता है, उतना ही रहता है। अगर टेम्परेचर फिक्स रहेगा तो एंथैल्पी भी चेंज नहीं होगी,
क्योंकि ये एंथैल्पिक प्रोसेस कौन से अजंथैल्पिक प्रोसेस है, इसको आप उल्टा समझिए, क्योंकि यहाँ पर एंथैल्पिक कांस्टेंट रहती है पूरे एक्सपेरिमेंट में, एंथैल्पिक कांस्टेंट है इसका मतलब है कि टेम्परेचर भी चेंज होगा नहीं, किसका आइडियल गैस का, ठीक। तो ऐसे आप याद कर सकते हो और कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। जैसे अगर हम बात करें जे वैल्यू पॉजिटिव होती किसके लिए, नाइट्रोजन गैस के लिए, प्रेशर कितना है 375 bar, दिस इज वेरी ह्यूज प्रेशर, 375 bar प्रेशर है। इस प्रेशर पर क्या है, जो पॉजिटिव दिखाता है और नाइट्रोजन की कूलिंग हमारे सामने हो के आती है, ठीक। इसके बारे में जो दोनों बातें हैं वो हमने आपको बताई थी। देखो अगर हम एक मेन केस है जिसका कूलिंग का वो ले लें, कोई पोरस प्लग से जब एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंड में प्रेशर क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, यहाँ पर प्रेशर P2 है, यहाँ प्रेशर P1 है, प्रेशर डाउन हो रहा है, तो डेल्टा पी या डेल पी जो है इसका P2 माइनस P1 क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि बाद वाला प्रेशर जो है कम हो रहा है, ठीक। ऐसे ही अगर टेम्परेचर भी क्या हो जाए, टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, तब उस समय क्या होगा, T2, यहाँ पर टेम्परेचर T2 है, यहाँ पर T1 है, आपको मालूम है कि T2 अगर कूलिंग इफेक्ट है तो कम हो जाएगा T1 से, और एक्सपेंशन हो रहा है तो प्रेशर जो है बाद वाला कम होगा P1 से, तो डेल्टा टी भी घटाएंगे T2 माइनस T1 तो कम में ज़्यादा घटाएंगे तो माइनस आ जाएगा, ठीक। इसी वजह से जूल थॉमसन कोएफिशिएंट की वैल्यू कितनी है, डेल टी अपॉन डेल पी, क्योंकि इस वाले के यहाँ कूलिंग हो रही है उस केस में डेल टी भी निगेटिव है और डेल पी भी निगेटिव है, डेल पी भी निगेटिव है, तो दोनों निगेटिव हैं तो रेशियो कैसा होगा इनका, पॉजिटिव हो जाएगा, मान लो -5 और -5 हो तो कट जाएगा तो प्लस का बनाएगा ना, तो इस तरीके से यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो जब कूलिंग इफेक्ट होता है तो पॉजिटिव वैल्यू होती है, भाई हीटिंग में डेल्टा पी तो हमेशा निगेटिव रहेगा इसका, ठीक, बट हीटिंग होगी तो जो डेल्टा टी है ऊपर का पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा तो ओवरऑल निगेटिव हो जाएगा, समझ गए बात। नंबर दो, तीसरे केस में जीरो कब होता है, अगर टेम्परेचर चेंज होगा ही नहीं तो प्रेशर भला आप चेंज कर दो, प्रेशर आपने मान लो जैसा ये नेगेटिव ले लिया, प्रेशर आपने डाउन कर दिया, बट टेम्परेचर चेंज हुआ नहीं तो डेल्टा टी जीरो हो गया, तो 0/something पूरा जीरो हो गया, तो आइडियल केस के लिए म्यू की वैल्यू जीरो होती है, ठीक। ए एक कॉन्सेप्ट टेस्ट पे, तो मुझे लगता है ये बेनिफिट आपको मिला होगा, कुछ आप समझे होंगे इसके बारे में। चलिए फिलहाल हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 84 पढ़ते हैं। क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज एट टेम्परेचर, ठीक। मैं बात कर रहा हूँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ए की, मैंने कहा कोई रिएक्शन है ए से बी और बी से ए, इधर है K1 इधर है K2, तो K1/K2 को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ई कहते हैं, ठीक। अब इसमें क्या है, कोई रिएक्शन अगर एक्जोथर्मिक है, मैंने आपको बताया रिएक्शन एक्जोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर के ई घट जाएगा, ध्यान दो के ई क्या है, के ई घट जाएगा, कब टेम्परेचर बढ़ाओगे, किसका रिएक्शन अगर कैसे होगी, एक्जोथर्मिक होगी, रिएक्शन में बेसिक गर्मी निकल रही है आप उसको हीट और दोगे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मेरे भाई रेट ऑफ रिएक्शन डाउन हो जाएगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो डाउन हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही अगर टेम्परेचर आपने बढ़ाया और रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक है, तब काम बन जाएगा, रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज हो रहा है, नीचे आ जाओ पहले वाले केस में, डिक्रीज एज टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा और रिएक्शन होगा एक्जोथर्मिक, तो इंक्रीज फॉर एक्जोथर्मिक रिएक्शन, पहले ऑप्शन ही बिल्कुल सही है, 84 इज द राइट ऑप्शन, फिर भी आप और पढ़िए, 84 राइट ऑप्शन टिक कर देता हूँ। 85 में अगर डिक्रीज टेम्परेचर डिक्रीज टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज होगा जब टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, ठीक, एक्जोथर्मिक के लिए नहीं, टेम्परेचर डिक्रीज करने से तो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा, समझे ना बात, इसलिए समझ गए ना बात, तो दैट सिंपल, हमें इसे दोनों टॉपिक लिख दिए मैंने, इन्हीं पे क्वेश्चन बनता है, या तो ऊपर वाले पर सेट होगा या नीचे वाले पर सेट होगा। देखो इसमें आप इतना मंथन कर सकते हो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर रिएक्शन एक्जोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाया आपने तो के ही घटेगा, रिएक्शन एक्जोथर्मिक है टेम्परेचर कम करोगे, हीट कम दोगे उसको तो के ही बढ़ेगा, समझ गए। दूसरा एंडो से कैसे क्वेश्चन बनेगा, एंडो में अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे आप तो डेफिनेटली के ही बढ़ेगा,
बट एंड में टर्म पे कम हीट नहीं दोगे, प्रॉपर गरीब एनर्जी चाहिए तो नहीं दोगे, प्रॉपर कोलिजन नहीं हो पाएगा, वो अपनी जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है उसको गेन नहीं कर पाएगा, तो रेट कॉन्स्टेंट उसका डिक्रीज होएगा, इक्विलिब्रियम रेट कॉन्स्टेंट डिक्रीज हो जाएगा। ये बात आपको माइंड में रखनी है। तो 84 का ए राइट आंसर। एज द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीजिंग, आप जानते हो कि समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है दिन पर दिन एंट्रोपी यूनिवर्स की बढ़ रही है, तो वर्क प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी ऑफ द हीट इंजन, देखो हीट इंजन क्या होता है कि उसके पास अपने एक सोर्स है, उसमें क्या करना है उस सोर्स को कुछ एनर्जी उसको क्या करना है इस क्यूबन को वर्क में कन्वर्ट करना है, बट पूरा कर नहीं पाता इसलिए कुछ एनर्जी वेस्ट कर देता है, सिंक को दे देता है, ठीक। कुछ एनर्जी वेस्ट करता है वो एंट्रोपी की वजह से वेस्ट होती है, अगर यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ेगी तो एंट्रोपी बढ़ने से एनर्जी का वेस्टेज बढ़ेगा, क्यू टू की वैल्यू बढ़ेगी, बात समझे। और ये एफिशिएंसी है इसकी, वो डब्ल्यू कितना वर्क कन्वर्ट किया है, आउटपुट क्या है और इनपुट क्या है, क्यू वन माइनस क्यू टू, नहीं इनपुट क्या है, इनपुट इसका है क्यू वन, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। वर्क अब जो डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू है क्यू वन माइनस क्यू टू, तो जैसे एंट्रोपी बढ़ेगी क्यू टू वैल्यू बढ़ेगी, ये क्यों लिख दिया, क्यू टू को लिख रहा हूँ, क्यू वन है ना, क्यू वन, तो वन माइनस क्यू टू अपॉन क्यू वन। अब बात समझो ये क्या है, इफिशेंसी है, ये जो है इफिशेंसी है। अब आपने जैसे ही यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या होगी बढ़ेगी, तो ओवरऑल जो है, अरे सही, ओवरऑल क्या है, क्यू टू आपका बढ़ेगा क्योंकि अब एनर्जी का लॉस बढ़ेगा, ठीक, जो हम फेंक सिंग में फेंक रहे हैं वो लॉस है एनर्जी का, तो इस क्यू टू वैल्यू बढ़ेगी, जैसे ये वैल्यू बढ़ेगी ओवरऑल जो वैल्यू जो घट रही है ये बढ़ेगी इसमें से वन में से, तो जितनी वैल्यू मान लो पहले वन में से 0.2 घट रहा था, एंट्रोपी बढ़ने पर 0.3 घटने लगा, तो यहाँ से मुझे 0.8 मिला था बट यहाँ 0.7 ही मिलेगा, समझे। तो जैसे जैसे यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या होगी बढ़ेगी, हमारा कोई भी इंजन है जिसकी जो एफिशिएंसी पे काम करता था अब वो उससे कम एफिशिएंसी पे काम करेगा, तो कह रहे नॉट चेंज, चेंज नहीं होगी एफिशिएंसी, डिक्रीज, तो बी इज द राइट आंसर, 85 का बी। हमारे इंजन की यानी यूनिवर्स की एंट्रोपी का इफेक्ट हमारे घर के घर में लगे इंजन पे भी दिखाई देगा। चलिए बहुत प्यारा क्वेश्चन हम आपको लेके आए हैं, हम इसको देखते हैं, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन सेट होते हैं हर बार एग्जाम में, रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या, रेफ्रिजरेशन साइकिल पहला है कि वायलेट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का वायलेशन करता है रेफ्रिजरेशन साइकिल, ऐसे बोल रहा है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि भाई आप बिना एनर्जी को लॉस किए, मतलब हीट सिंक को बिना कुछ ना कुछ अमाउंट दिए आप पूरी पूरी एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, पहली बात तो ये कहता है सेकंड लॉ। दूसरी बात स्टेटमेंट ये कहता है सेकंड लॉ कि भाई अगर आपको एनर्जी ट्रांसफ़र करना है लोअर से अपर लेवल पर होगा ही नहीं, हमेशा एनर्जी का लेवल क्या है हायर से लोअर, डायरेक्शन बताता है हायर से लोअर की ओर हीट ट्रांसफ़र होगा, बट अगर आपको करना है तो आपको एक्सटर्नली वर्क करना पड़ेगा, बिना वर्क किए आप लोअर से अपर पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, और वर्क भी एक डिफरेंट अमाउंट उतना करना पड़ेगा, उससे कम करोगे तब भी ट्रांसफ़र नहीं होगा, समझे। तो पहला कह रहा है कि रेफ्रिजरेशन जो है वो वायलेट करता है सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स को, देखो भाई सेकंड लॉ को वायलेट नहीं करता है, उसने कहा कि देखो सेकंड लॉ पे तो आधारित है हमारा रेफ्रिजरेटर, आपको पता है उसका जो स्टेटमेंट है रेफ्रिजरेटर के लिए कि हीट पंप के लिए कि भाई ऐसा है कि एनर्जी को इतना इतना जो है उसको देना पड़ेगा, बाहर से वर्क करना पड़ेगा तभी एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, तो ये बात सही है, तो वायलेट तो नहीं करता है, तो ए इज़ द राइट आंसर, नहीं है इसका, ये तो भैया गलत बात बोल दी। दूसरा ऑप्शन कह रहा है इन्वॉल्व ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, बिल्कुल सही है, रेफ्रिजरेटर में एनर्जी लोअर लेवल से हाई लेवल जाती है, मतलब रेफ्रिजरेटर के अंदर टेम्परेचर कम होता है और जो रेफ्रिजरेटर का पीछे वाला हिस्सा है हमारा रूम या हमारा जो भी जगह जहाँ पर रखा है रेफ्रिजरेटर उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, पर एनर्जी
जो होती है वो अंदर से बाहर की फेंकी जाती है, तो उसके लिए वर्क कौन करता है, कंप्रेसर वहाँ पर लगा वो वर्क करता है। ठीक, तो ये बात बिल्कुल सही है, बी जो है बी करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर सी में बोल रहा है बोथ ए एंड बी, ठीक दोनों ए और बी, तो भाई ए तो है नहीं सिर्फ बी है, और नैदर ए और बी दोनों नहीं है ये बोल रहा है, तो राइट आंसर है बी, 86 का बी आंसर राइट है। कुछ हम छोटी मोटी मगर मोटी बातें इसमें आपसे करते हैं। पहली बात तो जान लिया अपने, रेफ्रिजरेटर जो है वो सेकंड लॉ को ओबे करता है, उसको मानता है। ठीक, और आपको मालूम ही है कि लोअर से आप अपर लेवल ट्रांसफर करते हैं, एक्सटर्नल वर्क करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये ठीक है बिल्कुल, इसमें और कोई गुंजाइश वाली बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 करते हैं, फिर हम कुछ और चीज़ें सिखाते हैं आपको। 87 में कह रहा है कि आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल इज, आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल कैसा होता है। देखो आपको याद होगा कि जो आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल है उसमें क्या होता है, जो कार्नोट साइकिल है ना उसका जस्ट उल्टा होता है। किसका होता है, जैसे हीट पंप होता है वो भी एक तरीके से रेफ्रिजरेशन साइकिल जैसा ही होता है, और इसकी इफिशेंसी जो होती है उसको हम दिखाते हैं कोफिशेंट ऑफ परफॉर्मेंस से। कोफिशेंट ऑफ परफॉर्मेंस जो होती है किसी भी हीट पंप की वो उल्टी होती है इफिशेंसी किसकी, कार्नोट इंजन की। ठीक है, इसकी जो परफॉर्मेंस है वो जस्ट अपोजिट है किसकी, हीट इंजन की इफिशेंसी से। ठीक, अच्छा कोफिशेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर की जो कोफिशेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर होता है उसमें वन जोड़ दें तब मुझे मिलेगा कोफिशेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप, ये बात आपको माइंड में रखनी है। ठीक, मतलब आप एफिशिएंसी अगर दी है, मान लो एफिशिएंसी दी है 0.8, तो इसका उल्टा करोगे तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ पंप एचपी मिल जाएगा, हीट पंप मिल जाएगा। हीट पंप में से जो मिलेगी वैल्यू मान लेता हूँ 8 मिलेगी, उसमें एक घटाओगे तब मिलेगा रेफ्रिजरेटर का आपको कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये बात समझे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मतलब यहाँ से क्या हुआ, तो रेफ्रिजरेटर जो है वो इसका जस्ट उल्टा है किसका, इंजन का। तो आइडियल रेफरेंस साइकिल इज सेम एज कार्नोट साइकिल, उसका सेम होता है, नहीं सेम नहीं होता है, तो इसको आप यहाँ से कट कर दोगे। सेम एज रिवर्स कार्नोट साइकिल, ये बात बिल्कुल सही है, रिवर्स कार्नोट साइकिल का उल्टे का जो है सेम होता है, ये बात सही है। डिपेंडेंट ऑन द रेफरेंट प्रॉपर्टी, आइडियल रेफरेंस जो होता है साइकिल वो इस पर डिपेंड करता है, तो उस पर कोई भी रेफरेंट यूज करो उसका प्रोसेस वही है, 4 स्टेप है उसी को फॉलो करेगा। एट लीस्ट एफिशिएंट ऑफ रेफरेंस साइकिल प्रोसेस, एट द लीस्ट एफिशिएंट ऑफ आर रेफरेंस साइकिल, जितने रेफरेंस साइकिल हैं एब्जॉर्प्शन रेफरेंस साइकिल है, एयर रेफरेंस साइकिल है, उन सब में रेफरेंस साइकिल जो है वो क्या होता है कि सबसे कम एफिशिएंट होता है, जो कोई बात नहीं है उनका जो क्वेश्चन का लेन देन ऐसे बात नहीं है कि रेफरेंस साइकिल जो है वो सबसे कम एफिशिएंट होता है, ये तो सिंपल इसने नाम भी नहीं लिखा है कि एयर रेफरेंस साइकिल है क्या है, तो जैसे अनगल सेंटेंस लिख दिया गया, तो बी इज़ द राइट आंसर। चलिए इसमें एक चीज़ हम आपको सिखाते हैं, वो आपको सीखनी चाहिए, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस पर, यूनियन पब्लिक सर्विस वो UPPSC, इसमें एक क्वेश्चन आया था, हमारे स्टूडेंट ने उस क्वेश्चन को अटेंड किया है। तो एक क्वेश्चन ये था कि कार्नोट मान लो रेफरेंस साइकिल अगर है तो उसके कौन कौन से स्टेप होते हैं, उनका ऑर्डर क्या है। तो पहले तो हम आपको बताते हैं कि कार्नोट इंजन क्या है, फिर उसका उल्टा रेफरेंस साइकिल है उसका बताते हैं, ठीक है, ताकि आपको दोनों को समझ आ जाए बात। पहला जो है हमारा कार्नोट इंजन, ठीक, कार्नोट इंजन में 4 स्टेप होते हैं। अगर हम देखें तो इस तरीके से
जी हम डायग्राम बना रहे हैं कार्नट इंजन का। इसमें हमने ए यहाँ पे लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है और डी लिखा है। हमने डी लिखा है और ए दोनों जो पॉइंट हैं वो हमने जो कर्व जो है वो एंट्रोपी जी एंट्रोपी और टेम्परेचर यहाँ पर इसमें कर्व हमने बनाया है। यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो T2 है, लोअर टेम्परेचर है, और T1 जो हायर टेम्परेचर है। ठीक, कार्नट इंजन के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर इस तरीके से ये T2 है, मतलब T1 है, हायर टेम्परेचर है, कुछ वर्क में कन्वर्ट हो जा रहा है एनर्जी, और थोड़ा सा अमाउंट इसको सिंक को देना पड़ता है। हालांकि रेफरेंस जो कार्नट इंजन एफिशिएंसी होती है बहुत कम होती है, इस वजह से ये अमाउंट काफ़ी ज़्यादा एनर्जी इसको देने पड़ती है सिंक के लिए। Q2 है यहाँ पर, हीट इन Q1 है। ठीक, तो इसका जो यहाँ पर चार स्टेप होते हैं जो कि आप देख पा रहे हो, ए से बी जाता है पहले, बी से सी, सी से डी और डी से ए। तो जो पहला स्टेप होता है कार्नट इंजन का वो होता है एडियाबेटिक कंप्रेशन। एडियाबेटिक कंप्रेशन, और इसको हमने देखा है इस लाइन में ए बी से, जो लाइन ए बी है ए वाली, ठीक, ए लाइन से इसको देखा है। फिर दूसरा कर्व आता है एडियाबेटिक कंप्रेशन के बाद, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन बी से सी। तीसरा है एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एडियाबेटिक ठीक, चौथा है आइसोथर्मल हीट एब्जॉर्प्शन, आइसोथर्मल हीट एब्जॉर्प्शन डी। तो ओवरऑल चार स्टेप हैं, आप याद रखिएगा, पहले एडियाबेटिक कंप्रेशन, फिर आयोथर्मल हीट रिजेक्शन, ठीक, मतलब हीट को वो फेंक रहा है बाहर, फिर एडियाबेटिक एक्सपेंशन, और फिर उसके बाद एडियाबेटिक आयोथर्मल हीट एब्जॉर्प्शन। ठीक, ये चार स्टेप हैं। अब हम बात करते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल में कौन कौन से स्टेप हैं। अच्छा, ऊपर वाले केस में T1 आपको पता है ज़्यादा है T2 से। ठीक, रेफ्रिजरेशन साइकिल में भी चार स्टेप हैं। इस तरीके से इस पर एस बनाएंगे पहले की तरह, इस पर हम टी बनाएंगे पहले की तरह। यहाँ पर मैं दो टेम्परेचर रेंज लिए हैं, ठीक, ये लोअर टेम्परेचर रेंज है T2, ये है T1। ठीक, ए है, बी है, सी है और डी है। तो ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए, ये चार स्टेप हैं। और मान लेता हूँ पॉइंट ई है और ये वाला पॉइंट एफ, इनके याद भी नहीं है, बस खाली ये चार स्टेप हैं इनको याद रखिएगा। तो पहला जो स्टेप होता है वो है कंप्रेसर का, यानी अब रेफ्रिजरेटर में आपके कंप्रेसर लगा होता है जो गैस को कंप्रेस करने का काम करता है। हमने इस फिगर में उसको ए बी से दिखाया है। दूसरा है इसमें वाटर कूलर होता है,
जो कंप्रेशन के बाद हीट क्रिएट होती है, कंप्रेस तो हो जाती है गैस बट उसके टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो हम उसको ठंडा करने के लिए यहाँ पर वाटर कूलर या फिर कंडेंसर लगा होता है, हम उसका यूज करते हैं इसमें रेफ्रिजरेटर में। रेफ्रिजरेटर में कंडेंसर काम बाहर की जो सरफेस होती है वो करती है, जिससे आप कंडेंसर मीडियम एयर यूज होता है ठीक बाहर। फिर एक्सपेंशन इंजन होता है, एक्सपेंशन इंजन जो जूल थॉमसन कोएफिशिएंट पे जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट पे काम करता है, एक्सपेंशन इंजन ठीक, जो थ्रोटलिंग थ्रोटलिंग पे काम करता है। आपको मालूम है कि जो जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट था जिसमें हमने किसी भी गैस को पोरस पोरस से पास करते हैं, वहाँ पर हम क्या करते हैं, हम वहाँ पर थ्रोटलिंग करते हैं। थ्रोटलिंग का मतलब है कि कोई भी एक तरीके से हम इस रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। हो सकता है कोई बाल्ब है उसको हमने आधा खोला है, तो आधा खोलेंगे तो यहाँ तक जो एरिया कम होगा, पर बार आगे बढ़ेगा तो पाइप में एरिया बढ़ जाएगा। एक तरीके एक्सपेंशन हम कर रहे हैं, थ्रोटलिंग उसको बोल सकते हैं। हम चाहे बाल्ब को हम थोड़ा सा आधा खोल दें तो वहाँ पर भी ऐसा ही इफेक्ट क्रिएट होगा, या फिर हम बाकायदा अरेंजमेंट करें और एक्सपेंशन का इंतजाम करें तो वहाँ पर भी ऐसा होगा। तो दो तरीक़ों से हम ये करते हैं, फिलहाल तीसरा स्टेप है। चौथे स्टेप में हम बात करते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल की, जिसमें हम बात करते हैं एवापोरेटर की, रेफ्रिजरेटर की मतलब एवापोरेटर ठीक। अब जो हमने कंडेंस करके लिक्विफाई बना लिया है मटेरियल को, गैस को अपने रेफ्रिजरेंट को, रेफ्रिजरेंट को 311, 134 वगैरह जो भी हैं यूज होते हैं, तो अब वो वेपराइज होंगे। और हीट कहाँ से लेंगे, हम हीट लेंगे एवापोरेटर बॉडी से, मतलब हमारे रेफ्रिजरेटर के अंदर से हीट लेंगे और उस हीटर से खुद को एवापोरेट करेंगे। बाद में फिर भाई दोबारा कंप्रेसिंग होगी, कूलिंग होगी वगैरह, सारे स्टेप दोबारा से वापस होंगे। इसको हमने इस फिगर में DA से दिखाया है। रेफ्रिजरेटर का जो बेसिक फिगर है वो बिल्कुल वैसा ही है कि यहाँ पर एक हाई लेवल होता है एनर्जी का, क्या T1 टेम्परेचर है। यहाँ पर क्या है कि हम वर्क बाहर से एक्सटर्नल वर्क करते हैं, वर्क इन है, और इसके बाद ये यहाँ पर टेम्परेचर Q2 है और टेम्परेचर T2 है। जो टेम्परेचर T2 वाली जगह है वो रेफ्रिजरेटर की अंदर आंतरिक जगह है, जहाँ पर हम कोई खाना पेप्सी और जो भी ठंडा करना उसको रखते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं पेप्सी रखी हुई है आपकी ठीक है, तो ये T2 टेम्परेचर है। यहाँ से मुझे हीट को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि आप जब भी चीज़ें रखते हैं तो वो चीज़ें ढंग की डिकम्पोज होती हैं, वहाँ पर एक उनसे हीट क्रिएट होती है और उस हीट को मुझे निकालना होता है। वो वाली हीट को निकालना है, मगर ये टेम्परेचर काफ़ी कम है और बाहर का टेम्परेचर जो है रूम का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो लोअर टेम्परेचर से हायर पे मटेरियल पहुँचा मुझे एनर्जी को फेंकना है, जो कि असंभव है। तो सेकंड लॉ कहता है कुछ ना मुझे वर्क करना पड़ेगा, तो मैंने वो वर्क इन जो है यहाँ पर दिखाया है ठीक। तो उसकी एफिशिएंसी के बारे में मैंने आपको बताया है कि भाई यहाँ पर हमारा पर्पज जो होता है मोटो होता है Q2 को मेंटेन करना, और कितना वर्क हमने किया है वो यहाँ पर इसको करेंगे तो उसकी एफिशिएंसी निकल आएगी। रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी को कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस दिखाते हैं, आपको मालूम है। तो Q2 जो वर्क है वो क्या होता है, Q1 माइनस Q2 होता है ठीक। हम अगर इसको T2 × ∆S से कन्वर्ट करें, जो मैंने आपको फुल लेक्चर में समझाया है, तो हम देखेंगे कि ये T2 और T1 माइनस T2 ये निकल के इसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस किसका आएगा, रेफ्रिजरेटर का आएगा। जी कोएफिशिएंट परफॉर्मेंस किसका है, रेफ्रिजरेटर का है ठीक। चलिए फिलहाल आप इतना समझ गए होंगे हमारा जो आज का क्वेश्चन था, इसमें क्वेश्चन नंबर 87 ठीक। जो हमारा आइडिया रेफ्रिजरेटर होता है वो रिवर्स कार्नोट साइकिल पे काम करता है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन इज बेस्ड ऑन द ठीक लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कह रहा है कि जो फंडामेंटल लॉ है वो किस पे काम करता है। तो आपको मालूम है कि जो रेफ्रिजरेटर का फंडामेंटल लॉ है वो सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल पे काम करता है, इसलिए जीरो फर्स्ट और थर्ड ना होके इसका आंसर क्या है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स 88 का सी ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज द रेशियो ऑफ, मैंने अभी आपको बताया था ये रेशियो किसका होता है, तो रेशियो होता है कि जो ये रेशियो किसका होता है, तो आंसर है कि भैया रेशियो होता है एक तो Q2 का होता है, ये रेशियो किसका होता है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर जो रेशियो होता है Q2 का। Q2 क्या है, Q2 मैंने बोला कि हमें यहाँ पर मेंटेन करना है टेम्परेचर, दिस इज डिजायर इफेक्ट, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिजायर इफेक्ट, और ए है
वर्क इनपुट। ठीक, तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 89 में वर्क इनपुट रिक्वायर्ड टू रेफ्रिजरेशन ऑब्टेंड, तो ये उल्टा दिया हुआ है, रेफ्रिजरेशन ऑब्टेंड टू वर्क रिक्वायर्ड, जी बिल्कुल सही है। डीआर इफेक्ट या फिर हम रेफ्रिजरेशन ऑब्टेंड बोलते हैं, टू वर्क रिक्वायर्ड, ठीक है, दोनों का रेशियो को हम क्या बोलते हैं, हम इसको सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर बोलते हैं। ठीक, सीओपी रेफ्रिजरेटर बन जोड़ दें तो सीओपी ऑफ हमें हीट पंप मिल जाता है। 90 क्वेश्चन में कह रहे हैं इन द वर्किंग रेफ्रिजरेटर द वैल्यू ऑफ सीओपी, वैल्यू ऑफ सीओपी होती है 7, 6, 5, इस तरीके से होती है, और इसकी वैल्यू डेफिनेटली 1 से ज़्यादा होती है, क्योंकि अब जैसे चीज़ देखिए आप कि भाई Q2 एनर्जी उसको मेंटेन करना है और यहाँ पर वर्क इनपुट दे रहा हूँ, तो हमें जो वर्क दे रहे हैं तो उससे ज़्यादा एनर्जी तो फेंकना चाहिए ना इसको बाहर। अगर तो Q2 अगर ज़्यादा होगा वर्क इनपुट से तो इसके रेशियो अगर क्या होगा, 1 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ओवरऑल इसकी वैल्यू ऑलवेज देखो, चाहे तो सीओपी हमारा रेफ्रिजरेटर का हो या फिर सीओपी हमारा किसका हो, हीट पंप का हो, ये दोनों वैल्यू हमेशा मोर देन वन होती है, और हमेशा बोल रहा हूँ ऑलवेज। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। फिर मिलते हैं, नमस्कार। चलिए एक बार हम छोटी छोटी और मोटी बातें कर लेते हैं यहाँ से चलते चलते, ताकि आपको एक बार रिवीजन हो जाए। हम लोगों ने शुरू किया था कहानी क्वेश्चन नंबर 81 से, और क्वेश्चन नंबर 81 में हम लोगों ने देखा कि फ्यूगासिटी और प्रेशर का रेशियो को फ्यूगासिटी कोएफिशिएंट कहते हैं। बाइनरी इक्वेशन जो है वो है, बाइनरी जो इक्वेशंस हैं, बाइनरी सॉल्यूशन है, उनको भी डील करती है। जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट हमेशा एंथैल्पी कांस्टेंट होती है, इस पर पूरा हमारा सिस्टम मेंटेन होता है, और बाहर से सराउंडिंग भी क्या होता है, वो इंसुलेटेड होता है। ठीक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता है कि बड़े घटेगा टेम्परेचर पे, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक का, उसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक, रेफ्रिजरेशन साइकिल जो होता है वो हमारा सेकंड लॉ पे काम करता है, और नंबर दो सेकंड लॉ पे तो काम करता है, और साथ में कि वो वायलेट नहीं करता है किसको, सेकंड लॉ को। आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल जो होता है वो रिवर्स कार्नोट साइकिल की जैसा ही होता है, और रेफ्रिजरेटर हमारा वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे काम करता है। अरे कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो होता है रेफ्रिजरेटर का, वो हमेशा हीट जो हमें मेंटेन करना है, मतलब ही हमें रेफ्रिजरेशन ऑब्टेन करना है, और बटे वर्क इनपुट जो है या फिर वर्क रिक्वायर्ड का रेशियो होता है। और वर्किंग रेफ्रिजरेटर जो होता है उसकी सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर या फिर हीट पंप हमेशा मोर देन वन होता है। तो आपने काफ़ी नई चीज़ सीखी, मुझे लगता है ये काफ़ी काम आएंगे आपको, और अच्छे रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।